इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को 8 दिन बीत चुके हैं। ये जंग दिन पर दिन बढ़कर और विकराल रूप ले रही है। अब तक इस युद्ध में दोनों तरफ के 2800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गुरुवार को इजरायली सेना ने गाजा के ऊपर से पर्चे फेंके, जिन पर लिखा था, हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना जवाब दे रही है। हमारे आम नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द सिटी को खाली कर दें। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने ट्वीट कर भी इस घोषणा की जानकारी दी। IDF ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए गाजा शहर के सभी लोगों को उनके घरों से दक्षिण की ओर निकलने और वाडी गाजा के दक्षिण क्षेत्र में जाने की सलाह दी गई है। हमास आतंकवादी संगठन ने इजरायल राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यह निकासी आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। दरअसल इसराइल का मुख्य मकसद अपने नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ाना और हमास को नेस्तनाबूद करना है। इससे पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही थी और ये भी कहा कि अभी ये महज एक शुरुआत है। इस चेतावनी के बाद इजरायली सेना ने गाजा में आतंकी समूह हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई कई देशों की चेतावनी के बाद शुरू हुई, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन वाले देशों ने कहा था, अगर इसराइल कोई जमीनी कार्रवाई करेगा तो फिलिस्तीन के समर्थन वाले देश भी इस युद्ध में उतर सकते हैं। इजरायली सेना की छापेमारी के बाद फिलिस्तीनियों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और जैसा कि हमने बताया, जमीनी कार्रवाई शुरू करने से पहले ही इजरायली सेना ने सभी 11 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के अंदर गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन हमास ने लोगों से घरों में ही बने रहने को कहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल द्वारा गाजा खाली करने की चेतावनी पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इतने कम समय में बड़े पैमाने पर विस्थापन विनाशकारी होगा। इसके बावजूद फिलिस्तीनी गाजा से पलायन कर रहे हैं। लोग उत्तरी गाजा क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाने लगे हैं। कल रात में इजरायली सेना भी गाजा में घुस गई। इसके साथ ही इजरायली बलों ने गाजा पर भीषण बमबारी की। हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि इस बमबारी में उनके बंधक बनाए विदेशियों समेत 13 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने 250 बंधकों को छुड़वाया है। बौखलाए हमास ने भी गाजा से नागरिकों को निकालने के विरोध में इजरायल के एक शहर पर 15 मिनट में 150 रॉकेट दागे।